हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और एक बहुत ही शॉर्ट 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 वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप सबका एनडी अड्डा 24/7 पर मैं स्वागत करता हूं। और ये शॉर्ट जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाया है, ये वीडियो किस लिए बनाया है ये ध्यान से सुनना, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के एग्जाम को लेकर उत्सुकता तो है ही है, उसके साथ साथ डर भी है कि सर पेपर कैसे आता है ये बताइए पहले आप, है ना। तो पेपर कैसे आता है ये आता है, उसके लिए मैं आपको पूरा के पूरा सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ। सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करूंगा, टेंशन मत लीजिए, बस एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ये बताने के लिए कि पेपर होता कैसा है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री के पेपर में कौन सी चीज़ें आती है, कैसी कैसे पूछी जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जल्दी से देखिए इसमें और ध्यान से सुनिए। तो सैंपल पेपर 2022-23 का ही सैंपल पेपर है ये, तो इसी तरीके का एग्जाम आपका आने वाला है, ठीक है। तो क्लास 12th का ये हिस्ट्री का है, 3 घंटे का टाइम रहने वाला है इसमें, और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का है, आपको बताइए, है ना। इसके साथ साथ देखिए क्या है, तो आपका जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, तो ABCDE पाँच पाँच सेक्शंस में जो है ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का आने वाला है, ठीक है। जो सेक्शन ए है उसमें 1 से 21 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 21 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में, और सेक्शन ए में एमसीक्यूज आएंगे 1 मार्क्स ईच के एमसीक्यूज आएंगे, मतलब 21 एमसीक्यूज आपके पास रहने वाले हैं। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि रोज शाम में जो मेरी एमसीक्यूज वाली वीडियो है वो जरूर देखना, इतने एमसीक्यूज कर लेंगे कि 21 मार्क्स जो है अपन ऐसे 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 जेब में लेके घूमेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरा चीज देखो, सेक्शन बी के बारे में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 to 27 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क इच। तो 22 से लेकर 27, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 क्वेश्चन 3 नंबर के, 6 3 तक कर लो कितना हो गया 18, तो 18 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, 6 21 नंबर आएंगे हमारे एमसीक्यू से और 18 नंबर आ रहे हैं हमारे 3 मार्क्स क्वेश्चन से। कुछ सेक्शन नंबर सी देखते हैं क्या हमारे पास, तो सेक्शन नंबर सी के बारे में क्या बता रहा है ये कि क्वेश्चन नंबर 28 to 30 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 8 मार्क्स इच, ठीक है। तो इसके इसका मतलब क्या है कि 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज सुनो, सेक्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, 28, 29, 30, मतलब 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन कहाँ के रहने वाले, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 300 से 350 वर्ड्स के बीच में लिखने हैं हम लोगों को, और तीनों के तीनों क्वेश्चन 8 मार्क्स के होने वाले हैं। अब वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं वो अपन डील करेंगे जब अपन करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी सेक्शन सी 3 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के, इंपॉर्टेंट। सेक्शन डी के बारे में देखो क्या बता रहे, तो सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 31 to 33 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस विद 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आर ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सेक्शन डी जो है इसमें 31, 32, 33 3 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन थ्री में, और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 31 to 33 आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, और ये विथ 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आर ऑफ 4 मार्क्स, और ये कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे, मतलब 4 3 12 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, और सेक्शन ये अपना मैप बेस्ड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 इज मैप बेस्ड कैरिंग 5 मार्क्स, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा पेपर आने वाला है। सेक्शन ए में क्या आएगा हमें पता है, एमसीक्यूज आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में क्या आएगा, क्या नाम है, सेक्शन बी में हमारे पास आएंगे 3 मार्कर क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन सी में क्या आएगा, तो सेक्शन सी में हमारे पास आएंगे 3 क्वेश्चन और वो होंगे कितने मार्क्स के, 8 मार्क्स के। सेक्शन डी में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 32 to 33 जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स के। और सेक्शन ई में आएगा मैप बेस्ड क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनो आप ध्यान से, क्या कि जो सेक्शन डी है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं अपन, कि क्वेश्चन नंबर 31 कैसे आने वाला है देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 31 किस तरीके से आने वाला है और क्या क्वेश्चन रहते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में। अब देखो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ये सोर्सेज देखे हुए हम लोगों ने, है ना, सांची 19th सेंचुरी का सांची कैसा है, तो ये दे देंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, हाउ वाज सांची एन इंटरेस्ट टू अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, हाउ वाज सांची रिलेटेड टू बुद्धिज्म, हाउ डिड शाहजहां बेगम कंजर्व सांची स्तूपा, ठीक है। तो उसके बारे में क्या, उसके ये सोर्स दे देंगे और इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे, और क्या कह रहा है ये, कितने मार्क्स का, 1, 1, 2 मार्क्स का, मतलब 4 नंबर का एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, और ऐसे कितने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे अपने पास, 3 होंगे, है ना, 1, 2 और 1 और होगा, ये रहा 3, ठीक है। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है इस बार सब कुछ चेंज करने वाला है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी नीचे, अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन देखना है आप लोगों को तो ये रहा मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन अपन करेंगे अलग से पूरा के पूरा एक, ठीक है। तो जगह दी होगी और उस पर पूछा जाएगा कि इस जगह का नाम बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से आने वाला है,
ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आई होप कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों के लिए खास ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है। आज मैं आ रहा हूँ आप लोगों के लिए लेकर 1 बजे, क्या 3 नंबर के क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे के पूरे हिस्ट्री से। उसके बाद मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए 4 बजे, 4 बजे हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, और शाम में करेंगे हम लोग सेकेंड चैप्टर के आज एमसीक्यूज। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।